हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट MTBs अंडर 15,000 रुपीज इन इंडिया 2022। गाइज, ये तीनों साइकिल्स होने वाले हैं प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ से, एंड इन साइकिल्स में आपको सभी कंपोनेंट्स लाइक ब्रेक्स, टायर्स, गियर्स, फ्रेम्स, सीट्स प्रीमियम क्वालिटी की देखने को मिल जाएगी। एंड इतना ही नहीं गाइज, इन सभी साइकिल्स का लुकिंग काफ़ी अट्रैक्टिव एंड कूल है। अगर आप अभी तक एक बेस्ट एंड ड्यूरेबल माउंटेन बाइक ढूंढ रहे थे, देन आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो दैट इस वीडियो के एंड होते होते आपको एक बढ़िया सी माउंटेन बाइक मिल जाए, वो भी आपके बजट प्राइस में। और हाँ गाइज, इन सभी साइकिल्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से जाके इनको इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइस, नंबर 3 पे जो MTB है वो है HRX ब्रांड की तरफ से HRX MTB 500 एडिशन। HRX के बारे में अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, ये ऋतिक रोशन का ऑफिशियल खुद का ब्रांड है, जो शूज, स्पोर्ट्स एक्सेसरीज एंड काफी सारी चीजें बनाते हैं। गाइस, ये साइकिल वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग साइकिल की लिस्ट में आती है फ्लिपकार्ट पे। नाउ इस साइकिल के लुक की बात करते हैं। गाइस, ये साइकिल 3 अट्रैक्टिव कलर्स में देखने को मिलता है। 18 इंचेस के फ्रेम के साथ आती है एंड 27.5 इंचेस के इसके टायर्स आते हैं। एंड एवरेज राइडर एज एंड हाइट की बात करूँ तो 15 प्लस ईयर्स के बच्चे इसको आसानी से चला सकते हैं। एंड एज पर हाइट, अगर राइडर की हाइट 5.5 फुट से लेकर 6 फुट है तो इसे बड़े आसानी से चलाया जा सकता है। बाकी गाइज, ये गियर साइकिल है एंड इस बजट में आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है HRX ब्रांड की तरफ से। सो गाइज, डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी। बाकी आपको यहाँ पे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाता है एंड जो फ्रेम मटेरियल है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ है एंड इसका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। गाइज, अब बात करें इसके गियर्स की, गियर्स आपको शिमानो ब्रांड की तरफ से देखने को मिलते हैं जो 21 स्पीड्स के साथ आते हैं। बट गाइज, अगर आपको माइक्रोशिफ्ट और शिमानो गियर्स में 1% भी डाउट है तो आप हमारे cyclinggurus.in वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपके सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे गियर से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके व्हील्स की। जैसा मैंने बताया कि 27.5 इंचेस के स्पोक्ड व्हील्स, जी हाँ दोस्तों, स्पोक्ड व्हील्स देखने को मिलते हैं इसमें एंड टायर्स भी यहाँ पे हाई क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। एंड हाँ गाइज, 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है साइकिल के फ्रेम और फॉक्स पे। अब बात करें इसके प्राइस की, ये आपको 12,500 में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसका लेटेस्ट प्राइस वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइकिल के बारे में, जो है फायरफॉक्स बाइक्स ग्रूंज डी। गाइज, साइकिल काफ़ी अच्छे लुक में आती है। फ्रेम साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस का हाई क्वालिटी स्टील फ्रेम मिल जाता है एंड जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है साइकिल्स में। अगर एवरेज राइडर हाइट की बात करें तो 5 से 6 फीट के लोग इसको इजीली चला सकते हैं। बाकी टायर्स में आपको 27.5 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी के आते हैं। बात करते हैं इसके गियर्स की, यहाँ पे आपको 21 स्पीड्स के शिमानो गियर्स मिल जाते हैं एंड गाइज, आपको पता ही होगा शिमानो टॉप गियर ब्रांड्स में से एक है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बोथ साइड्स फ्रंट एंड बैक में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाता है जो कि इसके लुक को और ज़्यादा एनहांस करता है। बाकी के कंपोनेंट्स लाइक सीट्स, टायर्स, स्पोक्स और सारी चीज़ें काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ की गई है यहाँ पे। बात करें इसके प्राइस की, ये आपको 13,000 के प्राइस रेंज में अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस, लिस्ट में नंबर 1 पे आने वाली साइकिल आपको काया ब्रांड की तरफ से मिलती है, काया स्प्लिट। आपको 2 साइज में साइकिल देखने को मिलती है। 2 डिफरेंट साइज़ का मेरा मतलब ये है कि बाकी सब कुछ सेम है बट टायर्स का साइज थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक 27.5T है एंड दूसरा 29T है। सो आप अपने एज एंड हाइट के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, ये काया बाइसिकल साहिल खान सर भी रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस रेंज में इतनी बड़ी साइकिल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए साइकिल बेस्ट सुटेबल है। बाकी तो गाइस, आप इस साइकिल का डिज़ाइन देख ही सकते हैं, फ्रेम के साथ साथ कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है। नाउ गाइस, व्हेन इट कम्स टू इट्स फीचर्स, 18.5 इंच का स्टील फ्रेम मिल जाता है जो कि एक प्लस पॉइंट है इस साइकिल का। एंड एवरेज राइडर हाइट की बात करें तो इसको 5.5 टू 6.5 फीट के लोग इसको इजीली चला सकते हैं। बात करें इसके गियर्स की, यहाँ पे आपको 21 स्पीड्स के साथ माइक्रोशिफ्ट के गियर्स मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको शिमानो के गियर्स क्यों नहीं मिले। ट्रस्ट में गाइज, माइक्रोशिफ्ट भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है गियर्स के मामले में, बट हाँ, शिमानो बहुत पुराना ब्रांड है इसलिए लोग शिमानो गियर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट आई कैन अश्योर यू, गियर शिफ्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बात करें इसके प्राइस की, ये आपको 13,000 के प्राइस रेंज में अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा। गाइज, वैसे तो 2 और बाइसिकल्स ऐसे हैं जिनको इस लिस्ट में होना चाहिए था, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। डोंट वरी गाइज, उन दोनों टॉप साइकिल्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा,
आप वहां से उन साइकिल्स को चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइज, जो भी साइकिल्स मैं आज बता रहा हूँ वो सभी साइकिल्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे टॉप रेटेड साइकिल्स है एंड इनके फीचर्स भी कमाल के हैं। एंड इन सभी साइकिल्स में कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं जो कि इस प्राइस रेंज में मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। गाइज, अगर आपके पास बजट का कोई इशू है या फिर कोई और क्राइटेरिया है तो आप हमारी बजट साइकिल्स की प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से डिफरेंट साइकिल्स देखने को मिल जाएगी। बाकी तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी पैडलिंग।